बात चल रहे थे, ये संयोगिता का मैंने यहाँ पे आपके सामने चित्र रख दिया है। आखिर कौन है संयोगिता, कौन बताएगा आप में से? बिल्कुल सही बात है, और बिल्कुल सही बताया इन्होंने कि संयोगिता कन्नौज नरेश जयचंद गहडवाल की बेटी है। लेकिन अब जब पृथ्वीराज चौहान की मैं बात कर रहा था, पृथ्वीराज चौहान का इनसे क्या कनेक्शन है आप बताएं? राइट बात भाई, चलिए ये बात हो गई। पर इससे पहला वाला रिश्ता मैंने क्या बताया आपको, जयचंद गहडवाल और पृथ्वीराज चौहान आपस में मौसेरे भाई थे। अनंगपाल तोमर जो दिल्ली के राजा थे, उनकी एक बेटी कर्पूरी देवी जिनसे पृथ्वीराज पैदा हुए और हरिराज पैदा हुए। कर्पूरी देवी की दो संतानें थी और एक बेटी जिससे पैदा कौन हुए, कन्नौज नरेश जयचंद गहडवाल, आपस में मौसेरे भाई थे। लेकिन कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है, ना रिश्ते देखता है, ना नाते देखता है, ना अमीरी देखता है, ना गरीबी देखता है। और दरअसल में प्यार के पीछे लंबी कहानी है बच्चों। दरअसल में जब संयोगिता कन्नौज थी तो एक चित्रकार गया था कन्नौज। कन्नौज वैसे इत्र के लिए जाना जाता है, परफ्यूम, इत्र, इत्र का शहर है। वहां की नालियों में भी इत्र की खुशबू आती है, इत्र का बड़ा कारोबार है कन्नौज में। और सही अर्थों में बात किया जाए तो एक चित्रकार एक पेंटिंग बेचने गया था, और उसने जब एक पेंटिंग पृथ्वीराज चौहान की वहां पर रखी तो दरबार में संयोगिता ने भी वो पेंटिंग देख ली संयोग से, और संयोगिता उस पृथ्वीराज पर वही मुग्ध होने लग गई। पता लगा कि कौन है ये, अजमेर का राजा है, दिल्ली का राजा है, पृथ्वीराज चौहान। संयोगिता मन ही मन चाहने लग गई, और जो दूरियां थी धीरे धीरे निकटता में तब्दील होने लगी, और यहां तक कि संयोगिता पृथ्वीराज से इतनी मोहब्बत करने लग गई कि जब जयचंद गहडवाल ने स्वयंवर रचवाया तो पता है आपको, उस स्वयंवर में आसपास के अच्छे अच्छे राजकुमारों को बुलाया। आप जैसे योद्धा गए वहां पे, और जैसे ही संयोगिता आती है एक भी राजकुमार के गले में वरमाला नहीं डालती है, और बाहर द्वार पर जो पृथ्वीराज चौहान का मोम का पुतला बना हुआ था उस मोम के पुतले पर वरमाला डाल देती है। यह सूचना पहुंच गई पृथ्वीराज के पास गुप्तचरों के माध्यम से कि कन्नौज की राजकुमारी ने आपके मोम के पुतले पर वरमाला डाल दी है। पृथ्वीराज आता है, वैसे इतिहास कहता है कि दोनों तरफ से प्यार होना चाहिए, लेकिन ये मेरा मत है कि प्यार तो देखो एक तरफा ही होता है, दो तरफा तो सौदे होते हैं। और संयोगिता जितना पृथ्वीराज से मोहब्बत करती थी उतना पृथ्वीराज का वो नहीं था, लेकिन जब मोम के पुतले पर ही वरमाला डाल दी है तो अब पृथ्वीराज का सवाल हो गया स्वाभिमान का। बात आ गई यहां पर इमेज की, और अब पृथ्वीराज का स्वाभिमान खतरे में। लेकिन नहीं, पृथ्वीराज ने घोड़े दौड़ाए, संयोगिता ने जहां पर स्वयंवर में वहां पर मोम के पुतले पर वरमाला डाल दी वहां पहुंच गए, संयोगिता को उठाया, घोड़े पर बिठाया और हैज को चले गए। पीछे से कन्नौज नरेश जयचंद गहडवाल के खेमे में खलबली मच गई, क्या संयोगिता चली गई। अब आपने एक चीज नोट की, यहां पर कन्या की सहमति से कन्या का अपहरण हुआ है। ये जो विवाह है, हमारे वैदिक विवाह जो हमारे 8 प्रकार के जो विवाह थे वैदिक, उनमें हमारा ये विवाह राक्षस विवाह
और गंधर्व विवाह दोनों विवाह की श्रेणी में आता है। और इतिहास गवाह है इस बात का कि भगवान श्री कृष्ण ने भी जो रुक्मिणी के साथ जो विवाह किया था वो भी राक्षस विवाह किया था। और ये बात तय है इतिहास में जो युद्ध हुए हैं जर जोरू और जमीन के लिए हुए हैं, संयोगिता का प्रसंग अपने आप में एक महान प्रसंग है प्रेम को लेकर। संयोगिता के साथ साथ दरअसल में पृथ्वीराज के 13 रानियां थी जिनमें सबसे मुख्य रानी संयोगिता है, एक रानी इच्छिणी भी है। आपको इच्छिणी की कहानी भी मैं सुनाऊंगा, रानी इच्छिणी का जो वीरता का शौर्य का पराक्रम का जो किस्सा है बड़ा अद्भुत है। तो ये पृथ्वीराज और संयोगिता की कहानी है, प्रेम प्रसंग है अद्भुत। और अब आप लिखेंगे महोबा वाले मामले को लेकर, परमार्दी देव वाले मामले को लेकर। महोबा परमार्दी देव